सो हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप सभी लोग अच्छे ही हो गए जैसा मैंने कल आपको बताया था कि बिना आधार कार्ड्स के एंट्री नहीं मिलनी है वैसे ही मैंने लास्ट में बताया था कि इसके शाम तक इसके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे आपको सबको पता ही होगा सबने एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर लिए होंगे जिनके फर्स्ट पेस्ट के होंगे कुछ स्टूडेंट्स जब एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर रहे हैं तो इसमें लिख के आ रहा होगा दिस इज़ नॉट मैच यानी कि आपकी जो डी है वो मैच नहीं कर रही है यानी कि आपका मैच ना करना आपको यही संदेश देता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट फेज में नहीं कराया जाएगा फ़र्स्ट फेज़ की बात करें तो कितने कितने तारीख से बारह से सत्रह की नवम्बर नौम, बारह नवम्बर से सत्रह नवम्बर के बीच में फर्स्ट फेज़ कराया जाएगा यानी इसके बीच में आपका एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा सत्रह के बाद ही आपको अपनी साइट्स पे जाना है या फिर आप डेली अपडेट्स के लिए साइट पे जाके अपना रोल नंबर और अपनी अपना स्टेशन नंबर अपना डी ओ बी डाल के चेक कर सकते हैं आपको कैसे चेक करना आज की सीडियो में मैं इसी टॉपिक्स में बात करूँगा साथ ही आपके जो जनपद हैं जैसे कि आगरा हो गया कानपुर हो गया वाराणसी हो गया प्रयागराज हो गया और आपका गाज़ियाबाद हो गया आपका लखनऊ हो गया आपका मेरठ हो गया आपका अम्बेडकर नगर हो गया जितने भी आपको थंबनेल में आपको डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं मैं आपको सभी बताऊंगा कि उनका सेंटर कहाँ पे गया है सो आप लोग के लिए भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि आपको इसी यूट्यूब चैनल पे यूपी पुलिस एसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपी होम गार्ड्स जैसे ही कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी सबसे पहले आपको हमारे ही यूट्यूब चैनल के द्वारा दी जा दी जाती है और भाई वीडियो बढ़िया लगे ना तो लाइक भी ठोक देना चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में हम आपको बताएंगे भी कि आपको अपना एडमिट कार्ड जो है कैसे डाउनलोड करना है और साथ ही इसके फ्री मॉक टेस्ट भी हम आपको बताएंगे चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यू पी पी आर बी डॉट जी ओ वी डॉट इनकी ऑफिशियल साइट पे समय है यहाँ पे आप लोगो भी देख सकते हैं यूपी पुलिस के जवान्स का लोगो लगा हुआ है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा फिर यहाँ पे जूम करके आप यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस वाइज लिखित परीक्षा के शहर व दिनांक की जानकारी हेतु तो लिंक पर क्लिक करना होगा आपको तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका आपको अपना पंजीकरण संख्या और अपनी डेट ऑफ बर्थ करके यहाँ पे सबमिट करना होगा अगर सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा रेड सा ऐसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या लिख के आ रहा है रेड सा लिख के आ रहा होगा डी ओ बी डज नॉट मैच इसका मतलब है कि आपका जो एग्ज़ाम है बारह नवंबर सत्रह नवंबर के बीच में नहीं होगा चलिए एक मैं स्टूडेंट्स का डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ कि उसमें कैसा इंटरफेस आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है और अपने डी ओ भी डाल के यहाँ पर मैं देखता हूँ सबमिट करके यहाँ पर कैसा इंटरफेस आता है जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आपके पास लिख के भी आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ इज़ नॉट प्लीज़ एंटर द डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट इज़ अनाउंसमेंट स्टिल प्रोग्रेस प्लीज़ चेक टुमारो यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं डिस नॉट मैच दिखा रहा है यानी कि जो आपका इस फेज़ में एग्ज़ाम नहीं है कल तक इन्होंने कहा है कि आप लोग चेक करते रहिएगा यानी कि डेली आपको अपडेट्स के लिए आपको डेली साइट पे जाना होगा और ऐसे ही अपनी डीओबी चेक करना होगा जिस दिन आपका खुल जाएगा समझ लीजिएगा कि आपका आ जाएगा आपके एग्ज़ाम के टेन डेज़ पहले आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम गया है और आपकी शिफ्ट क्या है और आपकी टाइमिंग क्या है और लेकिन जो सेंटर का नेम है वो आपको तीन दिन पहले ही पता चलेगा जैसे कि एसएससी करती है अब बात कर लेते हैं कि आगरा कानपुर लखनऊ वाराणसी प्रयागराज मेरठ लखनऊ इन सब का सेंटर कहाँ पे गया हुआ है उससे पहले भाई रिक्वेस्ट होगी वीडियो बढ़िया लग रहा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसके सेंटर्स कहाँ गए हैं जैसा कि स्टूडेंट्स के बहुत डिमांड थे कि सर इसके सेंटर बता दीजिए तो हमें थोड़ी उसमें आसानी होगी ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के नाम सर्च कर लीजिएगा यहीं पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा यहीं पर आपको सारी अपडेट मिल सकती हैं यहीं पे आप देख सकते हैं यू की फ्री मॉक टेस्ट जो प्रैप कर टीम ने यानी बहुत ही अच्छी टीम है मैं उनसे काफ़ी लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स अच्छी टीम्स हैं उनसे के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देख सकते हैं फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पर यू के फ्री टेन मॉक टेस्ट टेन से फिफ्टीन मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए गए हैं बात कर लेते हैं आप लोग का सेंटर कहाँ पे गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैं थोड़ा जूम नहीं हो पाएगा लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं आगरा वालों का जो, जो सेंटर है वो गाज़ियाबाद गया है वाराणसी का सेंटर कानपुर आया है अंबेडकर नगर का सेंटर गोरखपुर आया है लखनऊ का जो सेंटर है वो मेरठ गया है और कानपुर देहात का सेंटर झांसी गया है और मेरठ का सेंटर लखनऊ गया है और लखनऊ का सेंटर मेरठ गया है ये स्टूडेंट्स के द्वारा ही बताए गए हैं लेकिन कानपुर देहात और कानपुर नगर का जो सेंटर है वो झांसी गया है अगर आपका भी फर्स्ट फेस्ट में यानी कि 12 नवंबर या तेरह दिसंबर नवंबर को जो एग्ज़ाम है अगर आपका भी एडमिट कार्ड आया है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट क्या थी और आपका कहाँ पे सेंटर गया है बात कर लेते हैं प्रयागराज की तो एक स्टूडेंट से मैंने पूछा था कि प्रयागराज का सेंटर कहाँ गया है तो एक स्टूडेंट ने बताया वाराणसी और एक स्टूडेंट्स का जो सेंटर है जौलौन गया है और एक स्टूडेंट्स का जो जौलौन के विद्यार्थी हैं यानी जो जौलौन के स्टूडेंट हैं उनका जो सेंटर है वो प्रयागराज आया हुआ है और एक सेंटर का प्रयागराज का वाराणसी गया था वाराणसी का जो भी सेंटर है कानपुर आ रहे हैं और आगरा वालों के गाज़ियाबाद जा रहे हैं अगर आपको किसी भी सेंटर का कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करिएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके जो सेंटर के आपके जो डिस्ट्रिक्ट के कहाँ पे आपके सेंटर जा रहे हैं और अगर आपके दोस्त यार जो भी लोग हों जिनका बारह से तेरह नवंबर में है जिनकी होम डिस्ट्रिक्ट क्या है और उनका सेंटर क्या है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा यह टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाएगा ये स्टूडेंट ने बताया जैसे मैंने बताया था अभी सिर्फ बारह से तेरह नवंबर यानी कि अब बात कर लें बारह से सत्रह नवंबर के जिनके भी एग्ज़ाम है यानी कि जिनके यूपीएसआई के एग्ज़ाम है उनकी डेट अब आ चुकी है वो अपना एग्जाम डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं कि उनका एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट कब है और उनका किस डेट को एग्ज़ाम है सत्रह नवंबर के बाद वालों के ही जो जिनके अभी डी जो है मिसमैच दिखा रही यानी कि डी ओ आपकी इनकरेक्ट है इसका मतलब आपका बारह से सत्रह के बीच में एग्जाम नहीं है आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे बारह सत्रह के बीच में जिनका एग्ज़ाम नहीं है उनका अभी एडमिट कार्ड या फिर अभी आपका डेट एग्जाम डिस्ट्रिक्ट कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर मेरे आधार कार्ड में हाँ जी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर लें जैसा मैंने कल वीडियो में बताया भी था यहाँ पे आप वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी वीडियो की लिंक थी जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको जूम करके बता देता हूँ आधार कार्ड में मम्मी पापा का नाम गलत है तो आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे तो ये बिल्कुल सही बात है अगर आधार कार्ड में ही आपकी एंट्री होगी क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है बिना आधार कार्ड्स में आपको एंट्री नहीं मिलेगी जैसा उसमें बताया था यूपी में आधार कार्ड्स में होगी अगर आपकी कोई भी दिक्कत आधार कार्ड में तो नियर बाई कैफ़े में जाके आप लोग सही करा लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे बिना आधार कार्ड्स के एंट्री नहीं मिलेगी अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम लोग पैन कार्ड से लेके एंट्री हो जाएगी या फिर टेंथ मार्कशीट से या फिर ट्वेल्थ मार्कशीट से तो आपकी एंट्री नहीं होने वाली है उसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बिना आधार कार्ड्स के आपकी एंट्री नहीं होगी ये कहाँ कहाँ गया चलिए उसको भी हम आपको दिखा देते हैं जैसा कि आपको पता होगा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था जब आपके फेज़ की एग्जाम डेट आई थी यहाँ पे आप देख सकते हैं बारह सत्रह नवंबर उन्नीस से चौबीस नवंबर सत्ताईस से दो दिसंबर के बीच में नहीं, तीन फेज में इसका एग्जाम होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं सेवन्थ नंबर में इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ आपको जैसे मैंने बताया था कि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थीगत पहचान पत्र के मूल आधार कार्ड या ई आधार कार्ड जो आपके पोस्ट ऑफिस से आता है या लो आप लोग आप लोग कैफे से निकलवाते हैं उसकी एक छायापति साथ लेकर आएंगे आधार कार्ड की छायापति अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में जमा करनी होगी अभ्यर्थियों की पह, पहचान हेतु केवल आधार कार्ड ही स्वीकार किया जाएगा केवल आधार कार्ड यानी कि बिना आधार कार्ड्स के इसमें इस एंट्री नहीं मिलने वाली है तो आपके अगर आधार कार्ड में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग जितना कोशिश हो सके करिएगा अब जिसके बारह नवंबर को ही क्योंकि आपको पता है हॉलीडे चल रहा है दिवाली चल रही है सबसे सब पहले दिवाली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं सभी का दिन शुभ हो तो बारह नवंबर में जिसका एग्ज़ाम है अब वो लोग क्या करेंगे तो वो लोग अपना एफिडेविट बनवा लें या फिर नियर बाई कैफ़े में जाके वहाँ सही करा लें अगर फिर भी नहीं ठीक होता क्योंकि कि किसी किसी से मिस्टेक है किसी के पापा का सरनेम नहीं लगा तो वो लोग सारे अपने ओरिजिनल कार्ड लेके जाएंगे टेंथ ट्वेल्थ और आपकी ग्रेजुएशन सब कुछ लेके जाएंगे अगर भगवान ने चाहा तो आपका इतना चेक ही नहीं होगा अगर आपके कोई भी डाउट हो तो इसके लेके तो कमेंट कर सकते हैं आपका एग्ज़ाम किस डिस्ट्रिक्ट में गया है, अगर आपका बारह से तेरह नवंबर के बीच में तो आप कमेंट करिएगा अगर आप चाहते हैं कि मुझे पता चल जाए आपको पता करना हो किस डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम जा रहा है तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स करते हैं मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर ना हो चैनल सब्सक्राइब कर चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू वग इंस तब तक के लिए जय जय वाद बंदे मातरम